हाँ यही है, कर दो। क्या बोलती पब्लिक, सीधा ले खींच दे। इस टनल की वजह से ना काफ़ी रास्ता जो है ना छोटा पड़ जाता है। अंधेरा बहुत है यार, पता नहीं कितनी दूर का पैच है ये। लद्दाख जा रहे हो आप? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज अपना जो न्यू राइड की जो मैंने प्लानिंग करी हुई थी ना, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे वैष्णो माता दर्शन करने आया हुआ था ना, तो फिलहाल अब तक तो मुझे वापस घर चला जाना चाहिए था, लेकिन कल मैं कटरा रुका, अपना छोटा मोटा जो ब्लॉग था वो देख लिया, और अपनी जो राइड का जो मैंने सोचा है ना आगे कहाँ जाना है वो सब मतलब कि सोच लिया अच्छे से। लेकिन उसके लिए ना कुछ प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है, क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था। तो बाकी अभी रूम से निकलने की तैयारी है, सब कुछ पैक हो चुका है। ऑलमोस्ट 7:30 का टाइम हुआ है, बस थोड़ा सा प्रसाद लेना है घर के लिए वैष्णो माता का, और उसके बाद घर नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं श्रीनगर। और बाकी ये जो भी होने वाला ना सब अनप्लान था, मीन्स मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन सोलो ट्रिप पर निकला हूँ तो हो गया जो होना है। तो प्लानिंग कर ली है, चलते हैं। अपना 2 दिन बाद अपनी जो जैकेट वगैरह है ना, प्रॉपर गेस वगैरह वो सब पहन लिए अब, और अब निकल रहा हूँ मैं। 8 बजेंगे मुझे निकलते निकलते, क्योंकि सामान तो पैक है, बस ये बैग वगैरह टाई करना है और पेमेंट वगैरह करनी है जो रूम की। तो आपसे अब सीधा मोटर ब्लॉक पे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं यहाँ से, अपना बाइक पे बैठते हैं, और पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ से उधमपुर। तो पहले थोड़ा सा प्रसाद ले लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है श्रीनगर पहुँच पाऊँगा या सोनमर्ग पहुँच पाऊँगा आज। रूम के लिए मैंने इन्हीं भैया को बोल दिया अभी, जहाँ पे मैं रुका हुआ था, ये शायद से करवा देंगे मेरी अरेंजमेंट। बाकी ये अच्छी बात है कि यार मौसम बिल्कुल क्लियर है आज। कल तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बस पूछो मत। ये भैया बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे चलते हैं, कभी तेज़ बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। एक तो उतरने में दिक्कत होती है इसके साथ। भैया प्रसाद लेना था, प्रसाद लेना है मिक्स वाला। अखरोट वगैरह वैसे क्या रेट है? अलग-अलग रेट है, सही से दिखा दो। जैसे होता है ना, दिखता कुछ है फिर निकलते कुछ है, वो बता दिया। मैं आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा भैया। थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया, और ये तो घर जाके पता चलेगा कैसा निकलेगा कैसा नहीं। चालू होगी अब, इसमें बैठने में दिक्कत यार। चलो भाई निकलते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स अब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली या जो भी है, अच्छे से ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो फिलहाल श्रीनगर के लिए अपना जो रूट है वो स्टार्ट कर दिया है। पहले आएगा रास्ते में उधमपुर, और फिर शायद से पटनी टॉप वगैरह, और वहाँ के नज़ारे वगैरह सारे सब कुछ अलग होगा। क्या बताऊँ यार मैं कि अब कैसा फील कर रहा हूँ कि यार कभी कभी मतलब जिस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब बरसों से प्लानिंग कर रहे हो, और वो चीज़ ना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अच्छा। और जिस चीज़ की हम प्लानिंग नहीं करते ना, सोचते भी नहीं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं थी आज जहाँ जा रहा हूँ यहाँ की भी, और वैष्णो माता पे आने की भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो सोचा काफ़ी टाइम से हुआ था, लेकिन लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगा। फाइनली अपना दर्शन वगैरह भी हो गए अपना, और हम निकल भी लिए अपना कहीं और के लिए। अब यहाँ से कल एक दिक्कत होगी, पता नहीं बारिश की वजह से या क्यों, मैंने जो चार्जर लगवाया था ना इसमें मोबाइल वाला, अरे भाई हट जा, मोबाइल वाला चार्जर, उसका ना देखना ये निकल गया। मीन्स चार्जर रह गया और इस पर से हट गया ये। अब ये शायद से ना चिपका हुआ था, तो बारिश के पानी की वजह से हट गया होगा ये। सस्ता सही लगवाया था मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे इसको यूज़ तो करना नहीं होता, बस मेरे को चार्जिंग ही चाहिए होती है मेन। जो श्रीनगर है ना, वो यहाँ से अप्रोक्स 300 किलोमीटर दिखा रहा है ये। तो इसमें टाइम आ रहा है 2 बजे का, कि 2 बजे तक हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। अगर 2 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाते हैं तो फिर यार सोनमर्ग जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। अब तक तो सब कुछ बढ़िया है, और आगे भी बढ़िया ही होगा। और अपनी फ़िलॉसफी एक जो होगा अच्छे के लिए होता है, और जो होगा देखा जाएगा। शायद से ना ये जो मीटर है ना बाइक का, इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही चला गया है, ये ढंग से काम कर नहीं रहा। पता है क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखो टाइम वाला जो ये है ना, ये ब्लिंक कर रहा है, जबकि इसे करना तो नहीं चाहिए यार। अब ठीक हो गया क्या? नहीं हुआ, इसका सारा सेटिंग बिगड़ चुकी है लगता है। ये देखो, अच्छा ये तो मैंने दबा दी। कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। बाकी हाईवे से ज़्यादा मेरे को ऐसे रोड ज़्यादा पसंद है। वैसे दोस्तों एक बात तो है, पहाड़ों वाला नज़ारा फिर से वापस स्टार्ट हो गया। और इससे पहले अपना उत्तराखंड भी घूम के आए थे ना हम पहाड़ों में, और अब हिमाचल वाले और आगे कश्मीर वाले, मतलब यार क्या बताऊँ, मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकता कि यार कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं। वैसे आप में से भी कोई प्लान करता है ना, ये सोचता है हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, सोचो मत, निकल पड़ो। टाइम नहीं लगना, ना कॉलेज से, ना स्कूल से, ना जॉब से, आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल पे जा पाओगे। एक छोटी सी तो ज़िंदगी है यार, उसमें भी सारा टाइम स्कूल कॉलेज जॉब में बिता देंगे तो यार कैसे काम चलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। यहाँ से हमें ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ जी, ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा आगे से था क्या? गलत तो नहीं आ गया मैं, मतलब रोंग साइड से आगे साइड से। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया क्रॉस। अभी रिसेंटली मतलब जुलाई के मंथ में इतना कुछ हुआ था ना बारिश की वजह से, तो थोड़ा बहुत ना डर भी लगता है पहाड़ों में जाने में। और अब हम निकल तो गए हैं, आगे का पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि बारिश से तो आते रहेंगे यार। और वैसे ना जो मैक्सिमम राइडर्स हैं, जैसे मैं औरों के भी वीडियोज़ देखता हूँ, तो वो जाते हैं जून जुलाई में लेह लद्दाख मनाली। और जो मैक्सिमम जाते हैं ना, वो जाते हैं मनाली से होते हुए लेह लद्दाख, उसके बाद वापस उसी रूट से आ जाते हैं, या फिर सर्किट होता है एक, उससे क्या होता है वो इधर आते हैं, मतलब जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी ये, तो इस रोड के थ्रू अपना वापस जाते हैं, तो ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है। मनाली से जो लेह लद्दाख है ना वो छोटा, मतलब थोड़ा कम पड़ता है। और जो ये रूट है ना, अगर इस रूट से लेह लद्दाख जाए कोई तो काफ़ी लंबा पड़ता है, और इस रूट को ना मैक्सिमम लोग लेते नहीं हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल श्रीनगर की तरफ चलते हैं, आगे की बातचीत बाद में करेंगे। अभी एक चौक पे पहुँचे हैं और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। शायद इसीलिए कहते हैं कश्मीर इतना सुंदर, देखना चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और ऑफिशियली शायद हम कश्मीर में एंटर हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो एंटर कब के हो चुके थे हम। तो यार हर जगह क्लियर आसमान है, हरियाली है, पहाड़ है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यार, बिल्कुल रियल लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की बात अलग थी, यहाँ की बात अलग है यार। उत्तराखंड में ये था पहाड़ थे सीधा, लेकिन यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लेन एरिया है और पहाड़ी एरिया इकट्ठा है, लाइक दूर दूर तक पहाड़ और फिर ऊपर अपना पहाड़ भी, मतलब वो ग्रीन एरिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फ्रेंड्स उधमपुर पहुँच गए हम। अब मैं सोच रहा हूँ आगे जाने से पहले ना यहाँ से थोड़ा सामान ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना विंटर के कपड़े नहीं है, और आगे क्या पता यार ठंड का कैसा माहौल होगा। वैसे तो ठंड होएगी आगे, इतना तो मुझे पता है, लेकिन फिर मैनेज हो ना हो, तो इसलिए ना एक विंटर लाइनर और एक विंटर वार्मअप ले लेता हूँ बस। बाकी तो कपड़े हैं नॉर्मल अपने पास, और जैकेट है ये वाली है, तो इसके नीचे विंटर लाइनर हो जाए ना एक, वो सही रहेगा। यहाँ से पहले उधमपुर के अंदर चलते हैं, और उस साइड से रास्ता श्रीनगर का 186 किलोमीटर। पहले उधमपुर के अंदर जा रहा हूँ मैं। A few moments later. आप कहाँ से हो? मैं बटुआ। अच्छा यहीं के। आप कहाँ जा रहे हो? मैं इधर से गया था, मेरे भैया रहते हैं ना। अच्छा देखा ना, हाँ यही है। आप भी ब्लॉगिंग करते हो क्या? हाँ थोड़ी बहुत। किस टाइप की? मतलब कि यही बाइक की। अच्छा बताना। अच्छा बताना अपने चैनल। मिलोगे तो आइए उधर। हाँ अच्छा लगा उधर डोडा में। हाँ क्यों नहीं, अभी तो मेरे को श्रीनगर जाना है, बता रहा ना। ठीक है चलते हैं। ठीक है, उधमपुर से श्रीनगर रह गया अभी 186 किलोमीटर, सही है। और लेह है 616। क्या बोलती पब्लिक, सीधा लेह खींच दे। बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट किडिंग, इतना बस की नहीं है भाई, लद्दाख है कोई मजाक थोड़ी है। सामने पहाड़ है बहुत ऊपर तक, एक क्लाउड्स में सारे कवर हो रखे हैं। जैसे ये तो नीचे दिख रही है ये टॉप जो है यहाँ पे, लेकिन वहाँ ऊपर भी है बहुत, ये कवर है सारे बादलों में। मेरे पास ना विंटर के जो कपड़े हैं ना वो है नहीं, सोचा था उधमपुर से लूँगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ थोड़ा और आगे जाके लेंगे कहीं से, शायद से श्रीनगर से ही ले लूँगा। सच बताऊँ ना, अकेला हूँ, इतनी दूर आया हुआ हूँ, थोड़ा डर भी है, एक्साइटमेंट भी है, और हैप्पीनेस भी है कि मैं अकेले आ गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा डर है। और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में हूँ तो यार जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही दिमाग में ना कश्मीर फाइल्स मूवी आ जाती है, और दूसरा क्या आतंकवादी, ये चीज़ें। और तीसरा आज 12 पता नहीं 13 अगस्त है, तो 13 है, हाँ 13 अगस्त है, तो 15 अगस्त के 2 दिन पहले मैं इस एरिया में हूँ। अरे वाह क्या पहाड़ है यार, बहुत ऊंचे है, तो बहुत ऊंचे उन वादियों में खो गए हम, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। और क्या चाहिए एक बाइकर को, ऊपर क्लाउड्स हो, नीला आसमान हो, और सामने इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हो, हरियाली हो, और इतना सुंदर रोड हो। बाइकर के लिए तो जन्नत है ये बिल्कुल। दोस्तों रास्ता देखो आप, मतलब बार बार बोल सकता हूँ मैं कि कितना सुंदर है। जिग-जैग वाले प्रॉपर हाईवे, हरियाली वाले पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और साइड में एक नदी है, नाम नहीं पता मुझे कौन सी है, लेकिन है उधर उस साइड में। और धूप है तो सब कुछ परफेक्ट है मौसम, बारिश का मौसम होता तो दिक्कत है। सो फ्रेंड्स, नीचे से ये पटनी टॉप का रास्ता है, और यहाँ से है टनल का रास्ता। कोई टनल आएगी, देखते हैं कौन सी टनल है। सामने हमारे टनल है, कौन सी टनल है ये एक बार नाम बताता हूँ मैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये शायद से ना 7-8 किलोमीटर कुछ की टनल है ये, देखते हैं यार। रियली हैप्पी, दिस इज द टनल। भाई रुके क्यों हुए वो बीच में तुम, ये टनल में रुकने की जगह है यार, इतनी लॉन्ग टनल है। इस टनल की वजह से ना काफ़ी रास्ता जो है ना छोटा पड़ जाता है। अब तक कभी अटल टनल पे तो गया नहीं, लेकिन इस पे ज़रूर आ गया। तो मुझे ये नहीं कंफर्म अटल टनल बड़ी है या फिर ये बड़ी है। बड़ी देर से चले जा रहा हूँ टनल में, और अब तक टनल ख़त्म नहीं हुई, बहुत लंबी है ये टनल। और मुझे ना अपने अलावा कोई बाइक वाले तो दिख ही नहीं रहे, बस एक आधे दिखे थे बीच में, आधे क्या होता है, एक या दो दिखे थे। कब खत्म होएगी। आ गए हम बाहर। सो फाइनली टनल क्रॉस्ड। ये कितने ब्रेक कर आगे छोटे छोटे। काफी रास्ता इस टनल ने कवर कर लिया। एक बार साइड में रोकूं, एक फोटो तो बनती है यार। अभी टनल क्रॉस करने के ना थोड़ी दूर बाद ही ऐसा रोड आ गया। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है अभी, और थोड़ा ये टूटा फूटा ही है, और सिंगल रोड है। पीछे तक तो पूरा डबल लेन का था, यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग हो रही है। सो फ्रेंड्स, वन मोर टनल इज हेयर। इसका कोई नाम नहीं है, शायद ये नई बनी है कोई। इसमें तो अंधेरा दिख रहा है यार, ग्लास भी नहीं, लाइट तेज करनी पड़ेगी लगता है। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा बहुत है यार। यार लाइटनिंग तो होनी चाहिए कम से कम। सिर्फ और सिर्फ सामने वाली कार दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। बस इतनी अंधेरे में A few moments later. अब थोड़ा नज़ारा बदल गया यार, अब हर तरफ पहाड़ ज़्यादा हो गए। ये थोड़ा फिर से टूटा फूटा पैच आ गया। इस साइड में नदी, चिन्नौर नदी है शायद से। अच्छा, यहाँ पे भी एक टनल बन रही है अभी। बाइक तो निकल जाएगी ना, क्योंकि बजले मेरी वजह से किसी और को दिक्कत हो जाए। मेरी बाइक तो निकल जाएगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकल जाएगी वैसे तो ठीक। बड़े व्हीकल्स तभी निकलेंगे, वो रास्ता साफ होएगा। और देखना कितनी ऑफ रोडिंग, वो भी अपनी R15 V3 पे। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने का, टायर थोड़े बहुत स्लिप हो रहे हैं। आराम से चल गए, आराम से आराम से। पता नहीं कितनी दूर का पैच है ये, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये टनल बन जाएगी ना, तब तो ये पैच भी ख़त्म हो जाएगा। लद्दाख जा रहे हो आप? सोनमर्ग। सोनमर्ग बस, मैं भी सोनमर्ग ही जा रहा हूँ। ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ट्रैकिंग के लिए। लुधियाना से साइकिल पे आए हो? अच्छी बात है। मैं हरियाणा से। हाँ जी, पानीपत। चलो अभी हरियाणा के क्या वहाँ पे हालात कैसे हैं? अब तो सही है। हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको निकले हुए? मैं 1 अगस्त को निकला था। 1 अगस्त। बीच में 4 दिन की ब्रेक थी मेरी। वाह, फिर भी काफ़ी जल्दी पहुँच गए हो। ऐसे मान के चलो तो 9वां दिन है। अच्छा, ओके, चलो ऑल द बेस्ट। अभी अभी ना बोतल गिर गई मेरी, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। वैसे एक बात है, अपनी जो इंडियन आर्मी है ना, उन्हीं की वजह से हम आराम से यहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये है हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पे हर टाइम। बहुत हिम्मत होती है यार आर्मी में काम करना भी, अपने घर से कितना दूर रहते हैं ये। दिल से सैल्यूट है यार इन्हें। सोचा नहीं था पहली बार कश्मीर कुछ इस तरीके से आऊँगा मैं। अभी एक और टनल आई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अमरनाथ की यात्रा।